IBPS RRB PO क्लर्क वाले एस्पिरेंट्स के लिए ये खबर शायद बहुत अच्छी नहीं होने वाली है। बहुत अच्छी क्या, इवन बुरी खबर होने वाली है। हालांकि 2 सालों से हम इन चीज़ों को देखते आ रहे हैं कि ये चीज़ें इस तरीके से हो रही हैं, पर कहीं ना कहीं ये उम्मीद नहीं थी कि अब आकर ऐसी एक खबर देखने को मिलेगी जो कि कहीं ना कहीं RRB वैकेंसीज को लेकर हमें थोड़ा सा डाउन फील कराने लगेगी आने वाले टाइम, और वो भी उसी स्टेट में जिस स्टेट में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सबसे ज्यादा वैकेंसीज आए। क्या ये बुरी खबर है? अभी आगे इसके बारे में बात करते हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस हो उसकी नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो गाइस सुबह हमें ये नोटिफिकेशन मिलता है 28 तारीख को, आप देख सकते हैं ये मुंबई का। BOB स्पॉन्सर्ड UPRRB टू रेशनलाइज ओवर 250 ब्रांचेस। RRB जो है, जो बैंक ऑफ बड़ौदा का स्पॉन्सर्ड RRB है, यानी कि बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक, उसने अपनी 250 ब्रांचेस के बारे में, 250 ब्रांचेस के बारे में क्या कहा कि या तो वो इनको मर्ज करेंगे और या फिर इनको क्लोज करेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा ने कहा है इन चीजों के लिए कि हैज डिसाइडेड टू मर्ज एंड क्लोज डाउन 268 ब्रांचेस इन सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज ऑफ उत्तर प्रदेश एज अ पार्ट ऑफ रिवैम्प ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस ऑफ द बैंक। इन चीजों को हवाला देते हुए उन्होंने कहा है कि अब हम ये 250 ब्रांचेस जो है वो मर्ज करेंगे, या तो कि आने वाले टाइम पर देखो ये चीजें तो होनी है कि एक स्टेट में एक RRB ही देखने को मिलेगा। तो यूपी में सिर्फ प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक आपको आने वाले टाइम पर देखने को मिलेगा, तो उसके साथ मर्ज करें या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा में ही मर्ज करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा वहां पर आपको देखने को मिलेगा। मतलब ये RRB आने वाले कुछ सालों में हो सकता है कि आपको ना देखने को मिले, और ऑब्वियसली ये लीड करेगा किस चीज को, लेसर नंबर ऑफ वैकेंसीज। ठीक है, तो RRB में ये चीजें देखो, अब आपको यूपी में जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको ये देखने की जरूरत है। बाय द एंड ऑफ मार्च 2022 देर वर 43 RRB स्पॉन्सर्ड बाय 12 शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स, जिनकी टोटल ब्रांचेस कितनी थी, 21,892। देख सकते हैं आप नीचे भी कि टोटल ये रह गया। ठीक है, और आप देख सकते हो कि इस पर्टिकुलर बैंक का 31 डिस्ट्रिक्ट्स में ये बैंक है। कौन सा? बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक। 1982 इसकी ब्रांचेस हैं, जिसमें कि 8,326 लोग काम करते हैं। तो आप देख सकते हैं इन चीजों को, क्योंकि काफी ज्यादा वहाँ पर जो है वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, इस वजह से अपनी ऑपरेशंस क्लोज कर रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा ऐसा क्यों कर रहा है? PO में भी वैकेंसीज रिपोर्ट नहीं कर रहा है, IBPS वैकेंसीज भी रिपोर्ट नहीं कर रहा है, और यहाँ पर ऊपर से ये और खबर, तो बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से बहुत ही अच्छी खबर नहीं आ रही है। ये इसका ऑफिशियल लेटर है, आप इसको देख सकते हैं। ये जो बैंक बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक ने इसको कन्फर्म करते हुए लेटर निकाला है, देखिए आप, ये 29 ब्रांचेज जो आपको सामने दिख रही हैं, काफी बड़ी ब्रांचेस भी हैं, इवन ये सभी यहाँ पर रिवैम्प या फिर मर्जर के या फिर क्लोज होने की कगार पर ये आ चुकी है, ये सब यहाँ पर डिसाइड हो चुका। तो वाकई में बहुत अच्छी खबर नहीं है, मैं खुद इस खबर को लेकर बहुत ज्यादा मतलब परेशान हूँ। एक तो यूपी जो ये बैंक ऑफ बड़ौदा है वैसे अपनी वैकेंसीज नहीं निकालता है, ऊपर से इस तरह की खबर, तो कम कम वैकेंसीज कम होती चली जाएंगी, तो RRBs में कंपटीशन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, सीट बहुत कम रह जाएंगी। कहीं ना कहीं हमें वो मूव करना चाहिए IBPS PO या फिर गाइस SBI PO की तरफ, क्योंकि तो वहां पर कंपटीशन, अगर हम RRBs की बात करें तो 200-300 सीट अगर पूरी यूपी में आती है ना, और वहां पर अगर SBI की बात करें कि 2,000 सीट पर हम लोग मुकाबला कर सकते हैं, डेफिनेटली उस जगह पर जाना चाहिए। तैयारी को थोड़ा सा आप करो, इंग्लिश सब लोग घबराते हैं जिस वजह से कहीं ना कहीं हम RRB की तरफ जाते हैं, वो चीजें करने की जरूरत है क्योंकि RRBs में आगे आगे दिक्कत होने। ये था इस वीडियो में मेरी साइड से आप लोगों के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कोई आपका व्यू है, कुछ बोलना चाहते हैं ओपनली कमेंट में बोलिए, योर व्यू शुड बी एक्सप्रेस्ड, आपको बताना चाहिए अपने व्यूज के बारे में। ठीक है गाइस, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर, तैयारी करते रहो अच्छे से, तैयारी करोगे और एग्जाम्स की भी, IBPS PO है, SBI PO आने वाला है, आपसे जरूर सक्सेस मिलेगी।